जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि एमएड का जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाने वाला है। ठीक, ये आपका एकदम एक्यूरेटली ऑफिशियल तो नहीं है, बट हाँ इसके आसपास आप कह सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस चीज़ को मैंने कैसे जो है बताया है कि इतना जो है आपका कट ऑफ वेरी करेगा या कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर से कैसे हम उसको मिला सकते हैं। तो जितने भी एमएड के जो छात्र छात्राएं हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। जो कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, 2022 का कट ऑफ है, वो मैंने ऑलरेडी जो है अपने इस चैनल पर जो है डाल दिया है कि जिसमें 2022 के जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट को मैंने उसमें कवर किया है। उसमें एमएड के भी कट ऑफ को मैंने बताया कि एमएड का कट ऑफ कितना गया है, कितना नहीं गया है। तो अब हम पहले तो आप कुछ बेसिक चीज़ समझिए कि जब हम कट ऑफ को शो करते हैं, इस बार एमएड में हमको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न है कि जैसे जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसे कि आपकी जैसे एक EWS वाली कैटेगरी है, एक आपका SC हो गया, ST हो गया, आपका OBC हो गया, तो जब भी इनके अकॉर्डिंग, पहले तो हम ये समझते हैं कि जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी एमएड के लिए वो 171 मार्क्स और उससे ऊपर वाले थे कि जिसका 171 है उससे ऊपर, और राउंड टू में जब हम गए थे तो 165 नंबर और उससे ऊपर तक ये गया था। ये एमएड की बात हो रही है। तो अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो आपका पहले था, तो पहले की बात करें तो उसमें जो राउंड वन था उसमें 171 मार्क्स जो है ये आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था राउंड वन में, और राउंड टू में ये नंबर 165 और उससे ऊपर था, प्लस था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एसटी में पिछले साल अगर हम 2022 की बात करें तो जो एसटी थे उनके सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलाउ किया गया था। ये 2022 का कट ऑफ था। अब इस साल की बात करते हैं तो इस साल जो टॉप स्कोरर हैं, अभी हम आपको उनको भी दिखाएंगे और सारी चीज़ों को मैं आपको रिटर्न में दिखाती हूँ फिर समझाती हूँ। तो चलिए उसी, तो इस बार जो टॉप किया है जिन्होंने, वो देखिए यही हैं आपकी तान्या गुप्ता, जिन्होंने 184 मार्क्स लेकर के आई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 184 मार्क्स इनके हैं, जबकि पिछले साल आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा नंबर गया था। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है, और वो उठना भी चाहिए कि भाई जब पिछले साल ज़्यादा मार्क्स उठे थे और इस साल कम है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि जो मेरिट इस साल आएगी वो उससे कम आएगी। ठीक, तो इसलिए काफ़ी सारे लर्नर्स जिन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बोला कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से EWS लगा लो तो आपका 155 के ऊपर में पॉसिबल है। फिर भी बहुत सारे लर्नर्स है कि हाँ प्रीवियस ईयर तो इतना नहीं गया था। तो देखिए उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में कि ऐसा क्यों मैं कह रही थी। तो देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 171 और उससे ऊपर है एसटी में सारे कैंडिडेट को राउंड वन में। इसके साथ ही 165 और उससे ऊपर जिसका नंबर था ये सेकेंड राउंड में बुलाया गया था, और एसटी में अगेन सारे कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था। अब ये किस बेसिस पे किया जाता है? पहली चीज़ कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा रिजर्वेशन, सबसे पहले जो बेसिक आपको समझना चाहिए, जब हम किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो रिजर्वेशन अब बहुत सारे जो है आप देखेंगे कई सब कैटेगरीज में सबको मिल रहा है। जैसे अगर आप जनरल में देख रहे हैं तो EWS के नाम से आ रहा है। ठीक, SC ST पहले से ही आपको दिख रहा है, OBC है। ठीक, और फिर एक बना दिया गया अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि एकदम जनरल है, जिसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब ये EWS है, तो जब भी हम बात करते हैं कि EWS में, तो अगर EWS के लिए जो है कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा जितनी सीट निर्धारित की गई है उसमें सिर्फ EWS के बच्चे का ही होगा। उसी तरह SC ST के लिए जितना किया गया उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा, OBC में जितना किया गया है उन्हीं बच्चों का होगा। ये बात रही। अब देखिए, अब जब हम रिज़ल्ट को देखते हैं तो रिज़ल्ट में जो है उसमें ये बात आती है कि जनरल जो है, जो जनरल की सीट है उसमें किस बच्चे ने कितनी रैंक लेकर आया, मतलब कितने उसके मार्क्स हैं। अब मान लीजिए कि EWS में किसी बच्चे का नंबर, मान लीजिए EWS में जो टॉप करने वाला बच्चा है, जो जिसने EWS लगाया है उसका जो है हाईएस्ट नंबर हम मान लेते हैं कि 160 आया है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 160 नंबर जिसने EWS लगाया है उसका आया है। तो अब जब पहला रैंक जिसका आया है, मतलब जिसने हाईएस्ट स्कोर किया, जब उसका 160 है, तो उसके पीछे अगर 10 सीट भी अगर इन लोगों को EWS से लेनी है तो वो 160 के पीछे ही तो जाएंगे, तो जो इसका कट ऑफ बनेगा वो 160 तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो उसके पीछे बनेगा। समझ में आ रहा है? ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं आगे जब आपको दिखाऊंगी तो बहुत सारे लर्नर्स कहेंगे अरे तो हवा में ऐसे कैसे, तो यही चीज़ मैं समझा रही हूँ। जब हम SC ST की बात करते हैं तो देखिए ST को तो हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स उसके कम होते हैं तो ठीक है, उनको सबको हम अलाउ कर देते हैं। इस बार क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही ST, तो अगर ST में किसी जो हाईएस्ट स्कोरर है, अगर मान लीजिए उसका स्कोर आता है 155, तो
जब भी बनेगा जो आपका कट ऑफ बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वो 155 से बहुत, ये 155 तो हाईएस्ट है ना, तो मिनिमम जब जाएगा तो वो आपका और कम जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जिसकी मैंने बात की है वो मिनिमम की बात की है, एज इट इज़ सेम ओबीसी के केस में हम देखेंगे कि ओबीसी में जिस बच्चे का हाईएस्ट नंबर जहाँ तक आया है, जब भी उसकी कट ऑफ बनेगी तो उससे बहुत पीछे बनेगी, क्योंकि उनको जिस जितनी सीट चाहिए उस सीट के अकॉर्डिंग उतने बच्चों को वो लोग बुलाते हैं, थोड़े जो है 10-12 एक्स्ट्रा भी बुला लेते हैं कि अगर कोई नहीं आता है, सीट वैकेंट रहती है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो फिर सीट दूसरे को दे दी जाती है। ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई कि उस सीट पे दूसरे कोई बच्चा नहीं बैठ सकता। अगर एससी की सीट है तो वो एससी का बच्चा ही बैठेगा, आप उसको जा कर के नहीं ले सकते, ये रिजर्वेशन है, राइट। तो इस रिजर्वेशन के अंतर्गत जो हम नई चीज़ देखने से EWS लगा रहे हैं, तो उससे निश्चित है कि मार्क्स कम हो रहे हैं, और जिन जिन बच्चों ने EWS पे यस पे टिक किया है, ये उनके बीच का लड़ाई है, ठीक। आपको उसी कॉलम में रह करके ही बच्चा लड़ पाएगा, ये जो चीज़ आपको समझनी है। आप जब भी लड़ेंगे तो इसमें अगर 100 बच्चों ने दिया है EWS के अंदर और इन लोगों को सिर्फ 10 सीट ही चाहिए, तो वो 10 सीट के लिए सिर्फ यही 100 बच्चे लड़ेंगे, ठीक, जनरल वाले इंक्लूड नहीं हो जाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है, तो इसकी वजह से अब देखते हैं कि भाई कितना है हाईएस्ट। अभी मैंने आपको दिखाया तान्या का है, तो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक। अब इसके बाद देखिए, हाईएस्ट 184 है, जो कि पिछले साल से कम है, पिछले साल से कम है, और इस बार आप देखेंगे 184 हाईएस्ट है, बट आप देखेंगे सेकंड स्कोरर जो है, थर्ड स्कोरर जो है, उनका रिजल्ट 160-165 तक आ रहा है, बहुत डिफरेंस है उसके बीच में। तो वो डिफरेंस का मतलब क्या है कि मेरिट इस बार डाउन जाएगी। जनरल में अगर आपका 155 प्लस है, ठीक, ये ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जिस उसमें जितने बच्चे ने आया, जो भी मैंने आपको बताया जितने बच्चे आए हैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर उनका हाईएस्ट स्कोरर इतना है तो मिनिमम ये लोग कितना लेकर जा सकते हैं। इससे 2-4 नंबर आप आगे पीछे मानकर चलिए। EWS है तो आपका 150-148 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आप EWS अगर आपने लगाया है तो हो सकता है। SC में देखिए 110 प्लस, ST में 105 प्लस, इनकेस सीट अगर खाली नहीं होती है, अगर बचती है तो ST को, जैसे आपने देखा प्रीवियस ईयर में सब कैंडिडेट्स अलाउ थे। OBC 139 प्लस, मतलब 140 नंबर से ऊपर है, अगर आपने OBC में लगाया है तो हो सकता है, ठीक। ये क्यों है, क्योंकि इन सब में जो आपके टॉपर है ना, आपके वो, जैसे इसको एक तरीके से समझ सकते हैं आप, इतना फ्लक्चुएशन का रीज़न कि सबके लिए ना यहाँ पर डब्बा बना दिया गया। अब ये सब डब्बे में ना आप नाम दे दीजिए कि एक आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, एक आपका EWS है, एक आपका मान लीजिए SC ST है, एक आपका OBC है। तो ये जो आपके ब्लॉक्स हैं ना, इन ब्लॉक्स में ही आपका कॉम्पिटिशन है। अब EWS में अगर टॉप स्कोरर किसी बच्चे ने जो है जितने भी मार्क्स पाए हैं, मान लीजिए अनरिजर्व्ड में किसी ने 120 मार्क्स हाईएस्ट ही पाए, पूरे हाईएस्ट 120 मार्क्स पाए, तो जिन जिन लोगों के पास कोई आरक्षण नहीं है तो वो 10 सीट 10-10 सीट सब में चाहिए, तो जो टॉप के 10 होंगे उसको निकाल लिया जाएगा। इसी तरह EWS में अगर 100 नंबर हाईएस्ट ही गया है तो इसी 100 में से वो 10 को निकाल लेंगे, टॉप 10 को निकाल के अपनी सीट फुलफिल कर लेंगे। SC में भी जितना है 90 नंबर हाईएस्ट गया तो वो टॉप 10 को निकाल के कर लेंगे एज इट इज़ OBC में। सो ये होता है मेन कैटेगरी, जिसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो नंबर्स हैं ना हाईएस्ट स्कोरर के, वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो उनकी वजह से फ्लक्चुएशन देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा एमिड के जो है आपके कट ऑफ में, ठीक। तो इतना ये कट ऑफ था, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जो होगा फाइनल पता लग जाएगा, ऑफिशियल जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और हाँ, इसके साथ अलग अलग जगह के भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अप्लाई करते रहें, एक जगह के भरोसे मत बैठें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।